बिजनौर के जलीलपुर में झमाझम बारिश कुछ लोगों के लिए बर्बादी का सबब साबित हो रही है। जलीलपुर क्षेत्र के मीरापुर खादर में बारिश के दौरान करीब 4 बजे एक मकान गिर गया, जिसके मलबे में दबकर रेखा पत्नी सुनील कुमार और उसके छोटे छोटे बच्चे घायल हो गए। रेखा देवी ने बताया कि बच्चों के साथ वह सो रही थी। रात भर से हो रही बारिश से उनके मकान की छत गिर गई और पूरा परिवार मलबे में दब गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए और मलबे में दबे सभी को बचा लिया, जिन्हें पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये टाइम 3:30 बजे का था और हम सो रहे थे। 4 बच्चे हैं और 5वीं मैं थी। अब जैसे मकान गिरा एकदम से हमारे ऊपर, हम दब गए, हमने रोल मचाई तो आसपास के सब इकट्ठे हो गए। इन्होंने हमारी जान बचाई है, हमारा चोट काट बहुत लगी, बहुत नुकसान हो गया। और टीवी हमारा, मतलब पंखा, साइकिल, अभी बेड वो डबल बेड थे, बहुत सब नुकसान। साइकिलें, टीवी रखा था मेरा, बक्सा है, बक्से के अंदर गेहूँ थी, गेहूँ सारी बेकार हो गई जी। बहुत सामान था, शादी में इतना मिला था, मेरी शादी का सारे खराब हुए। नुकसान होगा कोई 1 लाख से ऊपर होगा, कम तो होने वाला नहीं है। जो शादी में सामान बतेरा दे मेरे दो बार। और किसी अधिकारी को सोचना दिया आपने जी? सबको पता करा, कोई नहीं आया। एसडीएम, प्रधान, कोई नहीं आया।